किताबो जैदिन यानी जैद की किताब। ठीक, इस वाले लेसन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इजाफत। इजाफत, इजाफत के माना होते हैं एक चीज को दूसरी चीज की तरफ निस्बत देना। किताबो जैदिन, जैद की किताब। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग इधर। कलमो जैदिन, कलमो जैदिन, कलमो जैदिन का मतलब फिर क्या हुआ? जैद की पेन। ओके, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुन रहे हैं बात को, यानी आपको बताना है कि बिलाल बुक या जैद बुक या कोई भी नाम लेकर के आपको किसी चीज की निस्बत देना है कि जैद की किताब या जैद का पेन, तो जिसके लिए आप हाँ क्या आप प्लीज रिपीट करेंगे, थोड़ा समझ नहीं रहा है। ओके, किताब हो जैदिन, वैसे अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, अभी तो असली समझाने वाली बात शुरू होने वाली है। किताब हो जैदिन यानी जैद की किताब, कलम हो जैदिन यानी जैद का पेन। तो ये जो की का इन सब चीजों का माना आ रहा है वो सिर्फ इस इजाफत की बुनियाद पर आ रहा है, यानी इस तरह की आप जो इबारत बना रहे हैं, क्या मतलब? आप एक चीज को निस्बत दे रहे हैं, जिसे कहते हैं कि बिलोंग करना, ये किताब जो है वो जैद को बिलोंग कर रही है, या आप जिसके लिए दूसरा जुमला इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में यानी जैद बुक, तो ये जो एस का यूज करते हैं आप अपोस्ट्रोफी के बाद, एस का जो इस्तेमाल करती हैं वो इसी इजाफत के लिए आता है, यानी जो जो माना वहां पर उस चीज का होता है तो वही माना यहाँ इजाफत का होता है। किताब वो जैदिन मतलब जैद की किताब, यानी ये किताब जैद से ताल्लुक रखती है, यानी उसकी मिल्कियत है। एक बात, कलम हो जैदिन, ये पेन जैद का है। ओके, तो इस तरीके की बात को कहने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से यानी पहले आप चीज का नाम लिखेंगे जिस चीज को आपको बताना है कि ये चीज फलां साहब की है, तो पहले उस चीज का नाम लिखेंगे या लिखेंगे, उसके बाद उस इंसान का नाम लिखेंगे कि जिस इंसान की वो चीज होगी। ओके, मैं एक मिसाल मिटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ी और वजाहत कर सकूं। ये है किताब, ये है जैद। किताब को कहते हैं मुजाफ, क्या कहते हैं? मुजाफ। और जैद को कहेंगे मुजाफुन इले, मुजाफुन इले। इला का माना हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? टू इट। हाँ, मुजाफुन इले, अभी याद रखिएगा इस टू या टू इट पे याद रखिएगा। मुजाफ का मतलब किसी चीज की तरफ जाना, यानी किसी की ये बताना कि मैं किसी का हूँ। ठीक, यानी ये किताब जो है वो जा रही है किसकी तरफ, इसका ताल्लुक किससे है? जैद से है। ठीक, मुजाफुन इले, तो जिसका जो झुक रहा है यानी जो बता रहा है कि मेरा ताल्लुक फला चीज से है, फला शख्स से है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुजाफ, कि ये इसका झुकाव है उस शख्स की तरफ, यानी ये मिल्कियत है फला शख्स की जिसका नाम आगे जिक्र हो रहा है। तो लिहाजा जो चीज है जिसकी निस्बत दी जा रही है उसको आप कहते हैं मुजाफ, और जिस चीज की तरफ निस्बत दी जा रही है, ठीक, किताब की निस्बत दी जा रही है, किताब को बताया जा रहा है कि ये जैद से बिलोंग करती है, तो जैद की तरफ। इला आया यहाँ पर मुजाफुन इले। अब आप समझिए कि यहाँ पर इले क्यों लिखा गया है। असल में ये इला है, इला, और उसके बाद हा है प्रोनाउन, इसको मिला करके इलैहे लिखा गया है। ओके, तो इला जैद की तरफ निस्बत दी जा रही है इस किताब की, लिहाजा जैद को क्या कहेंगे? मुजाफुन इले। किताब चूंकि मुजाफ है, ये यानी किताब के बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये जैद की है, यानी किताब को आप मुजाफ कर रहे हैं, गोया के बता रहे हैं कि ये फलां शख्स की है, लिहाजा इसको मुजाफ कहेंगे। और जो शख्स है यानी जिसकी वो चीज मिल्कियत है, चाहे वो किताब हो या कलम हो, आप कहेंगे कि भाई वो फलां शख्स की है, तो जो फलां शख्स होगा जिस चीज की तरफ आप इस चीज की निस्बत दे रहे हैं, आप उसको कहेंगे मुजाफुन इले, यानी उस चीज की तरफ इसका ताल्लुक पता चल रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? जी। नहीं हुआ तो जी बिना झिझक आप लोग बोले, मैं दूसरी बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, किताब ओ जैदिन, जैद की किताब, या कलम ओ जैदिन, क्या हो रहा है कि आप पहले उस चीज को जिक्र कर रहे हैं। ठीक, बैतुल्लाह, आप सुनते हैं आपकी मिसाल मिसाल से ज्यादा अच्छी लगेगी आप लोगों की। बैतुल्लाह, हाँ, अल्लाह का घर है ना, ये जो का और की का मतलब निकल रहा है वो इसी इजाफत से निकल रहा है, यानी आप एक चीज को एक नाउन की तरफ या किसी शख्स की तरफ या अल्लाह की तरफ, एक मतलब किसी पर्सनैलिटी की तरफ इजाफत दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ये पहली वाली चीज, ये
दूसरी वाली चीज की है, तो जो वो पहली वाली चीज है जिसकी आप निस्बत दे रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि ये चीज बिलोंग कर रही है, तो उस चीज को आप कहते हैं मुजाफ। और जिस चीज की तरफ उसे घुमा करके बता रहे हैं, जिसकी तरफ उसका रुख करवा रहे हैं आप कि भाई फला शख्स की, तो उस दूसरे वाले नाउन को कहेंगे मुजाफुन इले। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। ठीक है, आप इसकी जितनी मिसाल आप चाहे ले सकते हैं, किताबु ज़ैदिन, कलमु ज़ैदिन, बैतुल्लाह, ठीक है, या फिर इमामुल मस्जिद, मस्जिद का इमाम, ठीक, मस्जिद का इमाम। तो उर्दू में उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो का और की वगैरह होता है। इंग्लिश में उसके लिए आप बिलोंग का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं और अपोस्ट्रोफी के बाद जो है वो आप एस भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट अरबी में आता है उसे कहते हैं इजाफत। ठीक, अगर इतनी बात वाजे हो गई हो, पहला वाला मुजाफ है और दूसरा वाला मुजाफुन इलैह है। किताबो ज़ैदिन में किताब मुजाफ है और ज़ैद मुजाफुन इलैह है। अब यहाँ पर जो बात गौर करनी, किस पर आप लोग गौर कीजिए। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी है अरबी जबान में, एक इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है। आप बताएं कि किताबों के ऊपर डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में से कौन सी चीज है? सवाल समझ में आया हो तो बताइए। किताबों के ऊपर जो कि मुजाफ है, इस पर डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल किताब के ऊपर, लफ्ज किताब के ऊपर इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? हाँ, मैं वही इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा था कि जहन आपका मुतवज्जो, थोड़ा सा आप उससे यूज करें। किताब के ऊपर न इनडेफिनेट आर्टिकल है और न डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या था? तनवीन था। ठीक है, तनवीन है किताब के ऊपर? नहीं है। नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल क्या था? अल। अल। अल है किताबों के ऊपर, अल किताब है? नहीं नहीं है। ना तनवीन है ना अल है, ना डेफिनेट आर्टिकल है ना इनडेफिनेट आर्टिकल है। सवाल ये होता है क्या मुजाफ के ऊपर, समझिए, क्या मुजाफ के ऊपर, यानी जो चीज मुजाफ हो रही है किसी मुजाफ निले की तरफ, क्या उस मुजाफ के ऊपर तनवीन आ सकती है? क्या उस मुजाफ के ऊपर अल जो कि डेफिनेट आर्टिकल है वो आ सकता है, या इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल तनवीन वो आ सकती है, आ सकती है या नहीं आ सकती है? किसी के जहन में ये सवाल पैदा हुआ था जब हम लोग ये अभी स्टार्ट कर रहे थे इसको बहस करना किताबो ज़ैदिन पर? अगर मैं कहूँ नहीं आ सकती है तो क्या आपके जहन में सवाल नहीं आएगा क्यों नहीं आ सकती है? किताबुन ज़ैदिन क्यों नहीं हो सकता, नहीं सोचेंगे आप? किताबुन नहीं आ सकता, अल भी नहीं आ सकता। हाँ, किताबुन नहीं आएगा, डबल तम तनवीन नहीं आ सकता किताबुन के ऊपर भी और ज़ैद के ऊपर भी। बिल्कुल आप सही कह रही, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। तो क्या सवाल नहीं आना चाहिए कि तनवीन क्यों नहीं आएगी? मैं भी कह रहा हूँ नहीं आएगी तनवीन, क्योंकि ऑलरेडी हमने ज़ैद का, हमने ऑलरेडी पर्सन का नाम तो बता ही दिया है, तो हम किसी खास पर्सन के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं। और अल के लिए भी वही होता है कि एक खास चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो बात वही हुई। और तनवीन, तनवीन तनवीन खास चीज के लिए होता है। तनवीन खास चीज के लिए होता है? नहीं, तनवीन अ के लिए होता है, मतलब खास नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप काफी हद तक अच्छा खासा समझी हुई है, समझ गई इस बात को। बहुत अच्छी बात इन्होंने की, जिन्होंने भी जवाब दिया बहुत बेहतरीन जवाब दिया, जज़ाकुमुल्लाह, सलामत रहिए। मुझे अच्छा लग रहा है इस तरीके के जवाब सुन करके, कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि यहाँ पर आपको ये सब सुनने को मिलेगा। अब देखिए, इस पर तनवीन भी नहीं आ सकती, ना ही इस पर अल आ सकता है। तनवीन क्यों नहीं आ सकती? ठीक, क्यों नहीं आ सकती? इसलिए कि तनवीन क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, गैर मुअय्यन है, वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए या पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं आती। आप क्या कह रहे हैं? किताबो ज़ैदिन। क्या कह रहे हैं? किताबो ज़ैदिन, यानी ज़ैद की किताब। ओके, तो आप ज़ैद की किताब कह करके इसको डेफिनेट बना दे रहे हैं या नहीं बना दे रहे हैं? Yes. आपने जैसे ही कहा कि जैद की किताब, मतलब ये कि ये रियाज की किताब नहीं है, ये जवाद की किताब नहीं है, ये मरियम की किताब नहीं है, ये अस्मा की किताब नहीं है। ओके, तो आपने जैसे ही किताबो ज़ैदिन कहा, किताबो ज़ैदिन कहा, मतलब ये बताया कि जैद की किताब है, मतलब मोहम्मद की किताब नहीं है, ठीक, मतलब फातिमा की किताब नहीं है, मतलब फिजा की किताब नहीं है। तो आपने इसको क्या किया, डेफिनेट बना दिया नहीं बना दिया? अब जब डेफिनेट बना दिया है, तो जब डेफिनेट बन चुका है ये किसी नाम की तरफ निस्बत पैदा करने की बुनियाद पर, अब तनवीन आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि तनवीन इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए आता है। वाजे हुई बात? यस। तनवीन किसे आता था? कि हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, पता नहीं है किसकी किताब है,
पता नहीं कोई खास किताब है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, नहीं, तो तनवीन आ रही थी इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए। जैसे ही इजाफत हुई, इजाफत यानी आप किताब को निस्बत दे रहे हैं जैदीन की तरफ, तो जैसे ही आपने बताया कि जैद की किताब है तो ये इजाफत की बुनियाद पर, अब ये जो डेफिनेट बना है, ये जो किताब डेफिनेट बन गया है, मुअय्यन शख्स के लिए हो गया है, जैद के लिए हो गया, तो ये इजाफत की बुनियाद पर यहाँ क्या पैदा हो गया, तारीफ पैदा हो गई। अरबी में इसे कहते हैं तारीफ, तारीफ यानी जो पहचानी हुई चीज हो उसको कहते हैं तारीफ, ठीक, और जो पहचानी हुई ना हो उसे कहते हैं तनकीर, ठीक, उसको तनकीर कहते हैं। यहाँ पर तारीफ पैदा हो गई, यानी किताब जो है वो अब इनडेफिनेट नहीं रहा कि डेफिनेट हो गया, डेफिनेट को क्या कहेंगे, तारीफ कहेंगे, तारीफ पैदा हो गई। तारीफ कैसे पैदा हुई, तारीफ किताब की इजाफत जैद की तरफ से इस इजाफत की बुनियाद पर, कि जो इजाफत का कॉन्सेप्ट है ना, यानी किसी लफ्ज का किसी चीज की तरफ मजाफ होना, यानी उसका किसी जात की तरफ निस्बत पैदा करना, तो ये जो इजाफत है इसकी बुनियाद पर क्या पैदा होगी, तारीफ पैदा होगी कि ये किताब सिर्फ जैद की किसी और की नहीं है। ओके, एक बात यहाँ पर हो गई। दूसरी बात, अल भी हम इस पर नहीं ला सकते, मैं टाइम देख लूं, अभी है 5 मिनट तो है, अल अल भी इस पर दाखिल नहीं कर सकते। अल क्यों नहीं दाखिल कर सकते, क्योंकि अल एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसको तो दाखिल कर देना चाहिए था ना, इसको क्यों नहीं दाखिल कर सकते। वो जो जवाब दिया था जिन्होंने पहले अभी, काफी हद तक उनकी बात तकरीबन सही थी, बहुत अच्छा जवाब था, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज इजाफत की बुनियाद पर डेफिनेट हो चुकी है, अब उसको डेफिनेट आर्टिकल उस पर हम क्यों यूज करेंगे, तहसील हासिल मुहाल है। एक चीज आपके पास ऑलरेडी है तो फिर वो कहां से, आप अगर कोई चीज रखते हैं मिसाल के तौर पर, आपके पास कोई चीज आ गई है तो वही चीज दोबारा कैसे आएगी, एग्जैक्टली सेम चीज तो नहीं आएगी ना। तो जब ये ऑलरेडी मार्फा हो चुका है, यानी डेफिनेट हो चुका है, तो लिहाजा एक खास डेफिनेट आर्टिकल इसके ऊपर हम क्यों यूज करेंगे, तो एक ही वर्ड पर दो डेफिनेट वजह हम लाएं ये मुनासिब नहीं है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, यस, सबके समझ में, कोई तो ऐसा हो जिसे समझ में ना आया हो, कोई है ऐसा, नो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, बस एक दो चीजें और रह गई हैं, दो तीन मिनट में वो तमाम हो जाएंगे इंशाल्लाह, दर्स हम लोग कल पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे से समझाया मौलाना आपने, माशाल्लाह, अल्लाह करे लोगों के समझ में आया हो। रिस्पॉन्स से तो ऐसे ही लग रहा है कि आ रहा है इनको इंशाल्लाह, काफी समझदार बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में। आपका तरीका है मौलाना, अच्छा है थोड़ा सा। जी जी जी, सॉरी, आपका तरीका बहुत अच्छा समझाने का, तो आ ही जाता समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह, बस समझ में आ जाए, ये जो है वो यही चाहिए हम लोगों को, मकसद ये किताब हो जाए दिन। और बहुत शांति से समझाते हैं आप, इत्मीनान से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दूसरी मिसाल समझिए, इमामुल मस्जिदे, मस्जिदे, गौर कीजिए दोनों मिसाल पर। ये हम लोग मुजाफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती, ना ही उसके ऊपर अल आता है, लेकिन मुजाफन एले पर, मुजाफन एले पर तनवीन भी आती है। जैसे इस वाली मिसाल में किताबो जैदिन, जैद मुजाफन एले है, इमामुल मस्जिद है, जो दूसरा वाला होता है जो वर्ड, वो मुजाफन एले होता है, जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है। ओके, इमामुल मस्जिद है, मस्जिद का इमाम, तो मस्जिद की तरफ निस्बत दी जा रही है, यहाँ पर मुजाफन एले मस्जिद है, तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल है मस्जिद के ऊपर, और यहाँ जैद के ऊपर तनवीन दाखिल है। तो हमने ये पढ़ा कि मुजाफ के ऊपर न तनवीन आए, मुजाफ के ऊपर न तनवीन आएगी और न अल आएगा, लेकिन मुजाफुन एले जो है यानी दूसरा वाला वर्ड, उसके ऊपर तनवीन भी आ सकती है और अलिफ लाम भी आ सकता है। क्लियर? जी जी। इमामुल मस्जिद है यानी क्या मतलब, किसी खास मस्जिद के बारे में बात करें, हमारी बात चल रही है खोजा मस्जिद के बारे में, हम कहें कि ये हाजा इमामुल मस्जिद है, अगर मिसाल के तौर पर रूहे जफर साहब खड़े हो, हम कह दें कि हम रूहे जफर मौलाना की तरफ इशारा करके हाजा इमामुल मस्जिद है, हमें पता है कि हम ये खोजा मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसमें ये मौलाना रूहे जफर साहब नमाज पढ़ाते हैं। ठीक, तो अल मस्जिद यहाँ पर बता रही थी किसी खास मस्जिद की बात चल रही है। ओके, तो यहाँ पर मुजाफ नेले पर अल भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, मगर मुजाफ पर ना अल आ सकता है और ना तनवीन आ सकती है। मेरे ख्याल में बात यहाँ तक वाज़े हो गई। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक मिसाल और यहाँ पर गौर कीजिए, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी।
अला मक्तबिल मुअल्लिम, ठीक, ये मुजाफ है, ये मुजाफन इलैह है, ठीक। मक्तबे यहाँ पर बा पर ज़ेर है, ये मुजाफ है। ये अल मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब भी होता है टीचर, मुदर्रिस का मतलब भी टीचर और मुअल्लिम का मतलब भी टीचर। मुअल्लिम ये मुजाफन इलैह है, मुजाफन इलैह, ठीक। मक्तबे के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ज़ेर लगा हुआ है, ओके, मुलाजा फरमा रहे हैं, मक्तबे के ऊपर ज़ेर है, मुअल्लिमे के ऊपर भी ज़ेर है, यानी जो मुजाफ है उसके ऊपर भी ज़ेर है और जो मुजाफ़ इलैह है उसके ऊपर भी ज़ेर है। तो सवाल ये है कि क्या मुजाफ पर हमेशा पेश रहेगा? नहीं, मुजाफ की हालत जो है वो उससे उसके पहले की वजह से बदल सकती है, यानी उसके पहले क्या आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर मुजाफ जो है मक्तब पहले अला मौजूद है या नहीं मौजूद है, मुजाफ से पहले मक्तबे से पहले अला आया है। अला कौन सा वर्ड है, हम लोगों ने पढ़ा अला के बारे में, वो क्या करता है तो आखिर में क्या करता है, वो मजरूर करता है। हाँ, मजरूर करता देता है, मजरूर करता है, अहसन तुम, कसरा देता है, मजरूर करता है। तो ये जो मुजाफ है, ये मुजाफ प्रीपोजिशन की वजह से मजरूर है, ओके, और ये मुजाफुन एले इस मुजाफ की वजह से मजरूर है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि मुजाफुन एले हमेशा जो है उस पर पेश ही रहता है, ठीक। मुजाफुन एले से पहले जो भी वर्ड है वो उसकी वजह से उसका जो इराब है आखिर का चेंज हो सकता है। अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आए तो वो मजरूर हो सकता है, अगर उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं है तो वो मिसाल के तौर पर मरफू भी हो सकता है और मनसूब भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग परेशान नहीं होंगे। हाँ, ये दो बात बहुत तय है कि जितनी भी जगहों पर जर होगा या कसरा होगा वो दो वजहों से खाली नहीं होगा। या तो वो कसरा हरफ जर की बुनियाद पर होगा, जैसे अला के बाद अला मक्तबिल है ना, अला मक्तबिल मुदर्रिस या मुअल्लिम, तो या तो अला की वजह से प्रीपोजिशन की वजह से किसी वर्ड पे आखिर में जर होगा या फिर मुजाफ की वजह से मुजाफने ले पर जर होगा। तो अगर कहीं पर जर है तो दो वजह से होगा, या प्रीपोजिशन यानी हुरूफ जर की वजह से होगा या इजाफत की बुनियाद पर होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, इजाफत की बुनियाद पर जो मुजाफने ले होता है वो हमेशा मजरूर होगा, ठीक। चाहे तनवीन के साथ मजरूर हो यानी डबल जेर हो उस पर, या एक जेर हो, अगर अलिफ लाम आएगा तो सिर्फ एक जेर आएगा क्योंकि तनवीन नहीं आ सकती वहां पर। तो मुजाफ मजरूर भी हो सकता है और मजरूर के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुजाफुन इलैह हमेशा मजरूर होगा। तो दो चीजें मजरूर होती है, एक मुजाफुन इलैह हमेशा मजरूर होगी और एक वो जो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। मजरूर होने की इन दो चीजों के अलावा और कोई सूरत नहीं है। अगर कोई चीज मजरूर है तो या तो वो मुजाफुन इलैह हो रहा है, यानी उससे पहले कोई मुजाफ है उस वजह से वो मजरूर होगा, या वो किसी प्रीपोजिशन के बाद आया है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है किसी लफ्ज के मजरूर होने का। मेरे ख्याल में बात यहाँ तक समझ में आ गई हो सबको, किसी को नहीं समझ में आया तो सवाल कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। और कोई है जिसे कोई समझ कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई सवाल रह गया हो? मौला ये मजरूर जो था वो समझ में नहीं आया। हाँ, मजरूर इस्म की तीन हालतें होती हैं, यानी इस्म या तो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। मरफू होगा मतलब उस पर रफा होगा, और रफा पे एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर पेश आता है, ठीक। ज़ैदुन या ज़ैदो ये मरफू है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पेश आया है, चाहे वो तनवीन के साथ आए या बगैर तनवीन के आए। एक बात, अगर मंसूब होगा तो उमूमन उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़बर आता है, जैसे ज़ैदन या ज़ैदा, ठीक। तो ये जो ज़बर है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि ये मंसूब है। मजरूर को एक्सप्रेस करने के लिए अक्सर ज़ेर आता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया मजरूर, ठीक। तो ये तीन हालतें हैं, कंडीशंस हैं, कोई भी इस्म या तो मरफू होगा या मजरूर होगा या मंसूब होगा, और ये मजरूर मंसूब और मरफू इन्हीं तीनों से पूरे ग्रामर में बहस की जाती है। अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन से इस्म मरफू होते हैं, तीनों का मीनिंग लिटरल मीनिंग क्या है। ये हालत का नाम है अरबी जबान में, किसी भी जुमले में किसी वर्ड का ना अलग अलग उसकी तमाम की कंडीशन अलग होती हैं। यानी कोई फाइल वाक्य कोई सब्जेक्ट हो रहा होता है तो सब्जेक्ट हमेशा मरफू होता है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट हो रहा होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा मंसूब होता है, समझिए इस बात को। और कोई प्रीपोजिशन के पास बाद आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो हमेशा मजरूर होगा। तो ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस के नाम है। हाँ, तो मजरूर का जो लिटरल मीनिंग है, मतलब सिर्फ मजरूर का लिटरल मीनिंग ये है कि जो इजाफत वाला, यानी जो मुजाफुन इलैह हो या जो हुरूफ जर के बाद आ रहा हो उसे मजरूर कहते हैं। ये एक हालत है, यानी एंडिंग विद कसरा ना, हुरूफ जर आ जाए, यानी एंडिंग विद कसरा। देखिए मजरूर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये है कि कसरा एक तरीका है मजरूर को एक्सप्रेस करने का, जो बहुत फेमस है। अक्सर कसरा ही मजरूर यानी जो कंडीशन है उसको एक्सप्रेस करती है, लेकिन कहीं पर कसरा नहीं भी होता है और मजरूर होता है।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आमतौर पर कसरा आता है मजरूर को एक्सप्रेस करने के लिए, फतहा आता है मनसूब को एक्सप्रेस करने के लिए, और जम्मा आता है, रफा आता है मरफू को एक्सप्रेस करने के लिए। आमतौर से ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ सूरतें इसके अलावा है। तो जो भाई इससे पहले सवाल कर रहे थे उनको बता रहा हूँ कि हर नाउन की अरबी जबान में कंडीशंस होती हैं, या तो वो मरफू होगा या मनसूब होगा या मजरूर होगा। ठीक, जैसे सब्जेक्ट मरफू होता है और ऑब्जेक्ट मनसूब होता है, और प्रीपोजिशन वगैरह के बाद जो नाउन आते हैं या मुजाफ के बाद जो नाउन आते हैं वो हमेशा मजरूर होते हैं। तो ये कंडीशंस का नाम है। क्लियर हुई बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और का कोई सवाल? इसको ये बहुत दकीक बहसें हैं ये ग्रामर की, आपको यहाँ पर आप आसानी से सिर्फ जबान से नहीं समझ सकते, अगर वो पूरा कॉन्सेप्ट है अलग। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जितनी बात आ रही है कोशिश करें सिर्फ उसको समझ लें, तो धीरे धीरे अगर चढ़ेंगे ना एक एक सीढ़ी पर पैर रखकर ज्यादा मुनासिब होगा। तो सारी बात एक जगह पे समझने लगेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी बात मैंने समझाई उतनी समझ में आई नहीं आप वो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई सवाल हो तो वो करे, वल्ला फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आसिम साहब आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो वो हम लोगों ने जो कल के जो दर्स की तमरीन बनाई थी कुरान से, वो कुछ आयतें वगैरह हम लोगों ने निकाली थी, वो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश कर दिया जाएगा। आप लोग उसको देखिएगा और उसमें आप लोगों को मिलेगी शायद मिसाल के कहाँ पर हम लोगों ने जो हुआ पढ़ा था या अला पढ़ा था या फी पढ़ा था, उन सबकी मिसालें हम लोगों ने कुरान से निकाली हैं। वो आपको आसिम साहब इंशाल्लाह भेजेंगे। अभी चूंकि वक्त नहीं था हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए इसको, तो आप लोग खुद के तौर पर जातन जातन सब लोग उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। वो काफी मेहनत से निकाली और बहुत मेहनत से बनाई गई है आप लोगों के लिए, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और जब दर्स पढ़ रहे हो साथ में तो दर्स के साथ उसको रख करके देखिएगा कि जो बातें आपने पढ़ी है उसको आप यहाँ कैसे देख पा रहे हैं। मुझे कल मौका मिला तो मैं उसका ट्रांसलेट जरूर कर दूंगा, उन आयतों को एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ओके जी मौलाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ठीक है, तमाम करते हैं यहीं पर क्लास इंशाल्लाह। कल अगले दर्स में इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।